आगे हम देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। पैरामेट्रिक फंक्शन इज बेसिकली जो एक्स और वाई है इसको हमने एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल्स टू एंड वाई इज इक्वल टू 280। देखिए यहाँ पे ए इज अ कॉन्स्टेंट, टू ए इज अ कॉन्स्टेंट, लेकिन ये जो टी है दिस इज अ वेरिएबल। तो x को मैंने t के फॉर्म में लिखा, y को भी मैंने t के फॉर्म में लिखा, या फिर मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। a और b तो चलो कांस्टेंट हो गया, लेकिन थीटा यहां पे वेरिएबल है, तो ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बोला है इफ If x equals to 80 square and y equals to 280, find dy by dx. है ना, क्वेश्चन क्या है? If x is this, y is this, find dy by dx. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन और इसको इक्वेशन नंबर टू डाल देते हैं। यहाँ पे x is a variable, t is a variable, तो मैं लिखूंगा differentiating equation 1 with respect to t. अब देखिए यहां पे x नहीं लिखा, हमने t लिखा क्योंकि राइट हैंड साइड में t है, राइट right? तो हम लिखेंगे dx by dt is equal to d by dt of at square. अब a is a constant, ये बाहर आ जाएगा, हमारे पास d by dt of t square बच गया। एक्स स्क्वायर होता तो 2x आता, तो टी स्क्वायर क्या बन जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा 2t और साथ में a मल्टीप्लाई हो रहा है a इंटू 2t, जिसको हम लिख सकते हैं 2at, राइट right? तो हमें dx बाई dt क्या मिल गया 2at, राइट right? आगे देखिए, अब इसी तरीके से मुझे y को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू, इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में वेरिएबल t है, तो मैं लिख लूंगा d by dt of y, d by dt of राइट हैंड साइड में है 2a and t, 2a is a constant, बाहर आ जाएगा मेरे पास d by dt of t बचा। आप देखिए dt by dt होता है 1, तो इसको हम 2a into 1 which is 2a ऐसे लिख लेंगे, तो मुझे dy by dt कितना मिल गया 2a मिल गया, लेकिन मुझे निकालना क्या था dy by dx, dy by dx मुझे निकालना था। अब देखिए इन दोनों, ये जो दो मुझे डेरिवेटिव्स मिले हैं इसमें y वाला पोर्शन इसको हम ऊपर लिखते हैं dy by dt, और जो x वाला पोर्शन उसको नीचे लिखते हैं dx by dt। दोनों के डिनोमिनेटर में dt dt अगर मैं इसको हटाता हूं तो ये dy by dx बन जाता है। अब देखिए dy by dt हमने कितना निकाला 2a, और dx by dt कितना निकाला 2a से 2a कैंसिल, ये 1 अपॉन t बच गया। तो dy by dx मुझे कितना मिल गया 1 upon t, एंड दिस इज my आंसर, ठीक है। ये हमने समझा, इजी था ये। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, आपको बोला x equals to a cos theta, y equals to b sin theta, find dy by dx। अब देखिए अगेन मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन में
x is equal to a cos theta, differentiating both sides. With respect to right hand side mein variable kya hai? Theta. We have dx by d theta is equal to d by d theta of a cos theta. A is a constant, bahar aa jayega. Cos theta ka derivative negative sin theta, jisko ki hum minus a sin theta bhi likh sakte hain, right? To mujhe dx by d theta minus a sin theta mil gaya, okay? Ab aage dekhe. मैं ये सेकेंड इक्वेशन लूंगा y इक्वल्स टू b साइन थीटा. दोबारा से स्टेटमेंट लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. मेरे पास dy वाई बाई डी थीटा बन जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ b साइन थीटा, which is nothing but b times y, because b is a constant. ठीक है, b को as it is रहने देंगे. Now d by d theta of sin theta will be cos theta, derivative of sin theta is cos theta, ये हमारा formula है. तो मैं dy by d theta को क्या लिख लूंगा, b cos theta, right? अब मुझे निकालना क्या था, dy by dx निकालना था. Now dy by dx, the y component dy by d theta, इसको मैं लिख लेता हूं न्यूमरेटर में. नीचे dx है तो dx वाला component उसको मैं लिख लेता हूं डिनोमिनेटर में, क्योंकि देखिए अगर मैं ये डी थीटा हटाता हूं, ये dy by dx बच रहा है. तो dy by d थीटा मुझे कितना मिला था, b sin थीटा. अच्छा dx by d थीटा मुझे कितना मिला था, नेगेटिव a cos थीटा, विच कैन बी रिटन एज b अपॉन माइनस a, जिसको कि मैं माइनस बी अपॉन ए लिख सकता हूं. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैन बी रिटन एज tan theta, right? This is my answer. तो simple है ये parametric function. कुछ और examples इसमें हम देखेंगे. अच्छा एक गलती हो गई थी, dy by d theta, देखिए dy by d theta क्या मिला था, b cos theta, ये हमने sin theta लिख दिया था, और dx by d theta हमें a sin theta मिला था, ये लिख लेते हैं. तो ये माइनस बी अपॉन ए कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, राइट? आगे देखते हैं, इसको रब कर देते हैं. ये तो हमने देखे कुछ सिंपल क्वेश्चंस, अब हम थोड़े से इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे चलते हैं. हालांकि ये बन जाएंगे आपको, आपको जैसे बोला है x इक्वल्स a वन माइनस कॉस थीटा, y इक्वल्स a
थीटा प्लस साइन थीटा देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू. ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है. हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. यहाँ पे वेरिएबल थीटा है तो हम लिख लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो हम लिखेंगे डी बाय डी थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक्स है, राइट हैंड साइड में डी बाय डी थीटा ऑफ अब ए इज अ कॉन्स्टेंट मैं बाहर कर लेता हूं अब आगे देखिए डी बाय डी थीटा ऑफ वन विल बी जीरो माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन. ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा. जीरो को लिखो नहीं लिखो है ना, जीरो प्लस एनीथिंग इज इटसेल्फ तो ये जीरो प्लस को हम हटा देंगे ये हो जाएगा ए साइन थीटा. ये बात समझ में आ गई. तो मैं डी एक्स बाई डी थीटा को लिख लेता हूं ए टाइम्स साइन थीटा. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में डी बाय डी थीटा ऑफ ए थीटा प्लस साइन थीटा. ए कॉमन आ जाएगा बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है. अब देखिए अगर डी बाई डी एक्स होता तो यहां पे एक्स होता और एक्स का डेरिवेटिव होता है वन. डी बाई डी एक्स और साइन एक्स होता तो वो बन जाता कॉस तो ये हो जाएगा कॉस एक्स. बाहर है ए ये मुझे डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू मिल गई लेकिन मुझे निकालना क्या था डी वाई बाई डी एक्स. तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y वाला कंपोनेंट ऊपर x वाला कंपोनेंट नीचे. अब dy वाई बाई डी थीटा मैं ऊपर लिख लूंगा और क्योंकि नीचे dx है मैं dx एक्स बाई डी थीटा नीचे लिख लूंगा. dy वाई बाई डी थीटा मुझे कितना मिला a टाइम्स वन प्लस कॉस थीटा. इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं dx एक्स बाई डी थीटा मुझे कितना मिला a टाइम्स साइन थीटा. कैंसल आउट हो जाएगा ए एन ए हमारे पास वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मिल गया. ठीक है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमें बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू. तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू इज इक्वल टू जो मुझे रिजल्ट मिला है उसमें मेरे को थीटा की जगह पाई बाई टू डालना है. तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस ऑफ पाई बाई टू एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री. अब हमें मालूम है कॉस 90 इज जीरो साइन 90 इज वन. तो वन प्लस जीरो अपॉन वन इज वन. तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स एट 90 डिग्री है ना पाई बाई टू कितना मिल गया वन मिल गया एंड दैट इज माई आंसर. आगे हम देखेंगे तो ये आपने देखा बहुत सिंपल है बस हमें जो एक्स और वाई जो भी दिया हुआ है उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है और उनका रेशो निकाल लेना हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है ना यही है पैरामेट्रिक फंक्शन. कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं. आपको बोला है एक्स इक्वल्स ए टाइम्स
cos t plus half log tan square t by 2. क्वेश्चन दिया हुआ है एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन टी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है ना, आपको बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखना, ये जो एक्स वाला कॉम्पोनेंट ये बहुत लेंदी दिया हुआ है और वाई वाला कॉम्पोनेंट छोटा सा दिया हुआ है. इसको जब सॉल्व करते हैं इसका आंसर हमें बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलता है, तो ये हमें ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ चुका है. मैं इसका पहले एक्स कंपोनेंट सॉल्व करके दिखाता हूँ. डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टी, वेरिएबल इज टी, तो मैं लिखूंगा डी एक्स बाय डी टी. ओके, डी बाय डी टी ऑफ ए कॉस टी प्लस हाफ लॉग टैन स्क्वायर टी बाय टू. अब ठंडे दिमाग से इसे करना है. ए इज अ कॉन्स्टेंट, मैं इसको अगर बाहर लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है. अब देखिए कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन नेगेटिव. ठीक है, नीचे भी टी ऊपर भी टी, तो हमें कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं लगाना है इधर. प्लस हाफ इज अ कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है. अब देखिए ये इसमें सारा लगेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल. तो पहले मैं क्या करूंगा, देखिए अगर ये डी बाय डी टी बाहर जो है ये अंदर आता दोनों के पास, तो पहले तो इसमें डी बाय डी टी लगता जिसका आंसर ये आ गया. इसमें डी बाय डी टी लगाते लेकिन ये हाफ तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ पे मैं डी बाय डी टी लगाता. ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं डी बाय डी टी लगाता तो क्या होता, पहले मैं इस लॉग को सॉल्व करता. लॉग है वन अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह है ना, मैं इस लॉग को सॉल्व कर रहा हूं तो एक्स की जगह जो बच गया उसको लिख दूंगा एंड दैट इज टैन स्क्वायर टी बाय टू. ठीक है, बाकी जो बच गया उसको मुझे एज इट इज डी बाय डी टी करके लिख देना है. अब आगे देखिए ये ए एज इट इज लिखेंगे माइनस साइन टी एज इट इज लिखेंगे प्लस हाफ टेन स्क्वायर टी बाय टू एज इट इज लिखेंगे. ये वन इंटू वन वन हो गया तो हम इसको वन अपॉन टू टेन स्क्वायर टी बाय टू लिख लेंगे. अब देखिए यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ फंक्शन टेन है स्क्वायर है टी बाय टू है, तो पहले तो मैं होल स्क्वायर लिख के स्क्वायर फंक्शन को सॉल्व करता हूँ. ये हो जाएगा टू टेन टी बाय टू. ठीक है ना, देखिए अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो हम उसको टू एक्स लिखते, तो हमने टू एक्स की जगह टेन टी बाई टू लिख लिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए, टू टेन टी बाई टू ये स्क्वायर वाला फंक्शन सॉल्व हो गया. मुझे यहाँ पे लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टेन टी बाय टू, जो बच गया उसको मुझे लिख देना है. अब आगे देखते हैं, ए मिला मुझे माइनस साइन टी मिला मुझे प्लस वन अपॉन टू टैन स्क्वायर टी बाय टू मुझे मिल गया. टू टैन टी बाय टू मुझे मिल गया. टैन का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे दोबारा फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा क्योंकि टैन टी बाय टू है. ठीक है ना, ये टैन टी होल अपॉन टू नहीं है लेकिन टी बाय टू का टैन है. ठीक है ना, तो टैन का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक विथ स्क्वायर, वापस डी बाई डी टी लगेगा और टी बाय टू लिखेंगे क्योंकि देखिए मैंने टैन को सॉल्व किया टी बाय टू बचा. अब मुझे मालूम है टी बाय टू का है ना, हम डेरिवेटिव निकालेंगे. टी का डेरिवेटिव होता है वन है ना, डी बाई डी टी ऑफ टी विल बी वन और नीचे टू है तो ये हाफ बचेगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ.
अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये चार नंबर के क्वेश्चन में आता है, और अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो मुझे नंबर नहीं मिलते हैं, मुझे इसको पूरा सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। दिस टू एंड दिस टू कैन बी कैंसल्ड, ये tan t by 2 और एक tan t by 2 कैंसल, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली बचा किया, ऊपर है sec square t by 2 into 1 upon 2 whole upon, नीचे बच गया मेरे पास ये, बात समझ में आ गई। इस 1 upon 2 को मैं ऊपर 1 और नीचे 2 लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे a है इसके साथ एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे हमने लिखा b, तो हम इसको a upon 2b लिख सकते हैं एलजेब्रा, ठीक है ना। ये एलजेब्रा के रूल्स के हिसाब से हम लिख सकते हैं, तो हम उस 2 को नीचे ले जाते हैं। मोरोवर sec होता है 1 upon cos, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, तो हम इस sec स्क्वेर्ड t by 2 के बजाय लिख लेंगे 1 upon cos स्क्वेर्ड t by 2, 2 मेरे पास पहले से है। tan को मैं लिख सकता हूँ sin upon cos, sin t by 2 upon cos t by 2। आप देखिए ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पे भी ऊपर 1 है, ये सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम मल्टीप्लाई लिख लेंगे, ये 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो ये जो कॉस है डिनोमिनेटर में ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, अब यहां पे कॉस टी बाई 2, वहां पे कॉस टी बाई 2, तो एक कॉस कैंसल हो जाएगा, तो बेसिकली ऊपर तो कुछ नहीं बचा, मैं इसको सिंपली 1 लिख सकता हूं, बात समझ में आई। नीचे हमारे पास क्या बच गया, एक तो 2 बचा, उस 2 को मैंने लिख लिया, एक साइन टी बाई 2 बच गया उसको मैंने लिख लिया, और एक कॉस टी बाई 2 बच गया उसको मैंने लिख लिया। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में बच रहा है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 sin theta cos theta is nothing but sin 2 theta, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे इस 2 sin t by 2 cos t by 2 को लिख सकते हैं sin 2 t by 2, sin 2 theta, theta की जगह यहां पे लिख लेंगे t by 2, ठीक है। अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिर्फ मेरे पास साइन टी बचेगा, ये समझ में आ गया। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 1, और नीचे मेरे पास वापस साइन टी, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए ये माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 है, इसको अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 माइनस साइन स्क्वायर मुझे मालूम है कॉस स्क्वायर्ड होता है, ये मिल गया। आगे देखते हैं, तो ये मुझे मिल गया डी एक्स बाई डी टी, dx by dt मुझे मिल गया cos square t upon sin t। अब मुझे निकालना dy by dt, y मुझे ये दिया हुआ है, तो dy by dt को मैं क्या लिख सकता हूं, a sin t, a is a constant, sin का derivative cos, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, d
डी वाई बाई डी एक्स मुझे निकालना है। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं वाई वाला कॉम्पोनेंट डी वाई बाई डी टी ऊपर और डी एक्स बाई डी टी नीचे। डी वाई बाई डी टी मुझे कितना मिला, ए कॉस टी। और dx by dt मुझे कितना मिला, अच्छा एक और चीज इसमें बाहर कॉमन में a था जो कि मैंने मिस कर दिया, तो a लिख लेंगे। ठीक है, तो नीचे हमें मिल गया a ब्रैकेट्स में cos square t और नीचे sin t। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, वो मुझे मिल जाएगा a cos of t। अब जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है वो ऊपर चले जाएगा, तो साइन टी ऊपर आ गया, ए जो है नीचे रहेगा, कॉस स्क्वायर टी नीचे रहेगा। इतना समझ में आए, ए एंड ए गेट्स कैंसल्ड, कॉस एंड कॉस गेट्स कैंसल्ड, मेरे पास साइन ऑफ टी एंड कॉस ऑफ टी बच गया। नाउ साइन अपॉन कॉस इज टैन ऑफ टी, therefore dy by dx मुझे कितना मिल गया, tan of t which is my answer। ठीक है, ये समझ में आ गया। next question देखते हैं, आपको बोला है x equals x power a sin inverse t, similarly y is equal to under root of a power cos inverse t, ये आपको दिया हुआ है। आपको बोला a इज ग्रेटर देन जीरो एंड t लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन। आपको प्रूव करना है dy by dx जो है नेगेटिव y अपॉन x है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, दिस इक्वेशन वन हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t बिकॉज वेरिएबल इज t, हम यहाँ पे लिख लेंगे d by dt of under root of a power sin inverse t। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था d by dx of under root of x को हम सीधे सीधे 1 upon 2 root x लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला डिराइव करके आपको बताया था कि ये फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे, तो क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, रूट है, उसके बाद a की पावर है, फिर साइन इनवर्स है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हम वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। पहले मैं इस रूट को सॉल्व करूंगा, रूट का फॉर्मूला लगा लूंगा, ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, अब यहाँ पे x की जगह ये पोर्शन है तो यहाँ पे वही पोर्शन आना चाहिए। अब मैं इस रूट को सॉल्व कर चुका हूं, मेरे पास बच गया d by dx of a power sin inverse t। अब मुझे मालूम है a power x अगर मुझे मिलता है तो वो होता है a power x and log of a। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर लिख लूंगा, ये वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, इनटू ए पावर एक्स होता है ए पावर एक्स एंड लॉग ए, यानी ए पावर एक्स की जगह मैं लिख लूंगा साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए। ठीक है, अभी हमने इस ए को सॉल्व किया, बच क्या गया, साइन इनवर्स टी, तो मैं फर्दर लिख लूंगा डी बाय डी टी ऑफ, सॉरी यहां पे एक्स लिख दिया मैंने गलती से, डी बाय डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी, राइट। Which can be written as 1 upon 2 under root a sin inverse t a sin
इनवर्स टी लॉग ए, साइन इनवर्स टी होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये मुझे क्या मिल गया, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, काफी लंबा सा रिजल्ट है। अब डी वाई बाई डी टी हम निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी टी भी मुझे कुछ इसी टाइप का मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली यही फॉर्मुलेज लगाने पड़ेंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ ए पावर कॉस ऑफ इनवर्स टी। सबसे पहले मैं रूट फंक्शन सॉल्व करूंगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैं यही डायरेक्टली करता हूं, अब मैं ए को सॉल्व करूंगा, ए की पावर, ये हो जाएगा ए पावर कॉस इनवर्स टी एंड लॉग ऑफ ए, ए भी सॉल्व हो गया, अब कॉस इनवर्स बच गया विच इज नेगेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड। राइट, अब मुझे निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जो कि डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो यहां पे मैं डी वाई बाई डी टी, मैंने जो भी निकाला है उसको न्यूमरेटर में रख देता हूं। डी वाई बाई डी टी मैंने निकाला कितना, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी मल्टीप्लाइड बाय ए पावर कॉस इनवर्स टी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए। ठीक है ना, यहीं से मैं कॉपी कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि माइनस साइन है, अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिखना था, डी एक्स बाई डी टी ये है, तो हम लिख लेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाइड बाय ए पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जो कैंसिल हो रहा है, सबसे पहला काम उसको हम कैंसिल करेंगे। देखने वाली बात है, यहां पे 2 एंड 2 गेट्स कैंसल्ड, लॉग ए एंड लॉग ए गेट्स कैंसल, ये 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कैंसिल, ये माइनस साइन कैंसिल नहीं होगा तो ये सामने आ जाएगा। तो हमने लिखा माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है ना, 1 अपॉन, ठीक है, रूट ए पावर कॉस इनवर्स टी इनटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ये बचा। नीचे हमारे पास हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई में ए पावर साइन इनवर्स टी। अब देखिए ये और ये चीज एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहां पे रूट है, यहां रूट नहीं है। तो मुझे मालूम है एक्स अपॉन अगर अंडर रूट एक्स होता, एक्स अपॉन अगर मुझे अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, तो मैं इसको अगर रैशनलाइज करता हूं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट x न्यूमरेटर में और नीचे रूट x हो जाएगा x, x एंड x गेट्स कैंसल, मुझे क्या मिल गया, रूट x मिल गया। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको x अज्यूम करता हूँ तो ये अपॉन में रूट x हो गया, तो मुझे मिलना क्या चाहिए, इज इक्वल टू रूट x मिलना चाहिए। मतलब मैं ये सारा हटा के अंडर रूट ऑफ a पावर cos इनवर्स x लिख सकता हूँ। इसी तरीके से ये अगर x है तो ये 1 अपॉन रूट एक्स है, तो ये मुझे अंडर रूट एक्स इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, यानी इसको मैं अंडर रूट ऑफ ए पावर साइन इनवर्स नॉट x बट t लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई।
अब ओरिजिनली जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, हमें बोला था x इज a साइन इनवर्स t. a साइन इनवर्स t क्या है? x है. और y हमें बोला था a cos इनवर्स t रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा y. लेकिन सामने क्या है? नेगेटिव साइन, तो मुझे ये नेगेटिव साइन मिल गया. और ये हम निकाल क्या रहे थे? dy by dx. बात समझ में आई? तो हमें dy by dx कितना मिल गया? नेगेटिव y अपॉन x. यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब इसका ये तो एक मेथड हो गया. ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड था. एक इजी मेथड और है, वो भी आपको बता देते हैं. आपको क्वेश्चन में बोला था x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t. हम एक काम करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं. ठीक है ना, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से रूट हट जाएगा, ए पावर साइन इनवर्स टी मिल जाएगा. इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूं ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए पावर कॉस इनवर्स टी. दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. राइट हैंड साइड में जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा ए पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई बाय ए पावर कॉस इनवर्स टी. हमने पढ़ा हुआ है ए पावर एम और ए पावर एन, ये हमेशा ए पावर एम प्लस एन होता है. तो यहाँ पे नीचे बेसिस में ए है तो ये पावर जो है ऐड हो जाएगा. तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी. अब ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी जो है वो है ना, हमने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज पाई बाय टू. तो साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी मुझे क्या मिल जाएगा? पाई बाय टू. दैट इज मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया ए पावर पाई बाय टू. इतना समझ में आ गया. अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ए पावर पाई बाय टू मिलना चाहिए. नाउ ए इज अ कॉन्स्टेंट, उसकी पावर पाई बाय टू इज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जीरो बचेगा. प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ये है प्रोडक्ट रूल. सॉल्व कर लेते हैं इसे. एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा इंटू वाई स्क्वायर, टू वाई बन जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, क्योंकि y को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो डी वाई बाई डी एक्स. वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर जो है 2x बन जाएगा और ये इक्वल टू हो गया जीरो. यहां पे dy बाय डी एक्स नहीं लगेगा, आई एम सॉरी मैंने गलती से लगा दिया क्योंकि x है. तो फाइनली मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये वाला पोर्शन मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं, माइनस साइन आ जाएगा. अब मुझे सिर्फ dy by dx चाहिए तो इतना पोर्शन मैं वहां शिफ्ट कर देता हूं. टू एंड टू गेट्स कैंसल, y एंड y गेट्स कैंसल, x एंड x गेट्स कैंसल, ये नेगेटिव y अपॉन x बच जाएगा. दैट इज माई आंसर. क्लियर है ये?